मैं शुरू आपका स्वागत करती हूँ अखबार बानी गॉसिप में। इस बार भी सलमान खान टारगेट करेंगे प्रियंका चहार चौधरी को। प्रियंका चहार चौधरी के फैंस जो है थोड़े बहुत घबराए हुए हैं। हालांकि कुछ लोगों का कहना यह भी है कि भाई मुद्दा ना भी हो तो भी प्रियंका को टारगेट किया जाता है, और इस बार थोड़े बहुत मुद्दे जो है प्रियंका ने कहीं ना कहीं सलमान खान को दिए तो हैं, तो सलमान खान इतनी बड़े चांस को कैसे जाने देंगे। चलिए आप लोगों को बताते हैं क्या चीजें हैं ऐसी जो कि सलमान खान जो है उठा सकते, टारगेट कर सकते हैं प्रियंका चहार चौधरी को। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पहली बात है सलमान खान जो है कोई ना कोई गोल मटोल करके जो है मुद्दा तो लेके आएंगे प्रियंका के ऊपर, क्योंकि प्रियंका की वजह से ही टीआरपी ज्यादा आती है। प्रियंका को अगर डांट लगाई जाए तो लोग जो है साइलेंट होकर सुनते हैं कि सलमान खान क्या मुद्दा उठा रहे हैं। वहीं पर प्रियंका अपने बहुत ही स्ट्रांग जो है आंसर सामने रखती है तो सलमान खान ये चीजों को घुमा देते हैं। जहां पर अर्चना और एमसी स्टैंड की लड़ाई हुई वहां पर प्रियंका जो है सिर्फ और सिर्फ शिव ठाकरे को ये चीज कहती हुई नजर आई कि भाई अर्चना गलत रहती है, मैं उसको सही नहीं बोल रही, पर आज जो उसने मुद्दा उठाया है वो गलत नहीं है, वो सही है। जिस चीज के बारे में जो है सलमान खान मुद्दा उठाएंगे कि आपने, हो सकता है कि ऐसा ही उठाए या कुछ तोड़ मरोड़ के कुछ अलग तरीके से उठाए कि आपने, अगर आपको पता था कि यहां पर अर्चना सही है तो आपने स्टैंड क्यों नहीं लिया, आपने सिर्फ शिव ठाकरे को अकेले में ही ये बात क्यों की, सब घर वालों के सामने क्यों नहीं बोला। जब दूसरी चीजें होती है तब तो आप घर वालों के सामने चिल्ला चिल्ला के बोलती है, यहां पर आपका डबल स्टैंडर्ड जो है वो दिखाई दे रहा है। इस तरीके से जो है सलमान खान बोल सकते हैं प्रियंका चहार चौधरी को। और दूसरा मुद्दा जहां पर शालिन के सामान उठाने पे तो सामान फेंकने पे तो एक मुद्दा बनता ही है, वहीं पर ये भी चीज हो सकती है कि ये बात बोला जाए कि भाई प्रियंका नॉमिनेट आप नहीं थी, नॉमिनेट जो होता है उसको अपनी गेम खेलनी है, उसको अपने तरीके से खेलना है कि भाई मुझे राशन चाहिए या नहीं चाहिए, तो आप कौन होती है किसी को बोलने वाली कि तुम डरते हो या नहीं डरते हो, और तुम अपने हिसाब से, वो अपने हिसाब से गेम खेल रहे हैं, तो तुम क्यों जाके इन दोनों के बीच में फंसी हुई थी, ये बातें बोल रही थी। तो ये बात के ऊपर भी मुद्दा उठा सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं प्रियंका को। और काफी सारे लोग ये बात बोल रहे हैं कि भाई प्रियंका को तो हमेशा टारगेट किया जाता है, इस बार भी टारगेट किया जाएगा। हालांकि क्या आप लोगों को लगता है कि प्रियंका के लिए ये मुद्दे उठाएंगे या प्रियंका ने कुछ और भी चीज बीच में की थी जो मुझे याद नहीं है, तो बताइए जरूर क्या है ऐसी चीज जिसको लेके आ सकते हैं सलमान खान वीकेंड के बाद पे। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।